हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 120 किलोमीटर दूर सुंगरी नामक स्थान अंग्रेजों के समय से पर्यटन मानचित्र पर अहम स्थान रखता है। यहाँ की मनमोहक वादियों को देखते हुए सरकार द्वारा दशकों पूर्व यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, ताकि यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को खाने रहने की सुविधाजनक व्यवस्था हो। लेकिन इस परिसर का निर्माण कार्य वर्ष 1994 और 95 में हुआ था और निर्माण के बाद इसे लावारिस छोड़ा गया, जिस कारण आज ये भवन खंडर में तब्दील होकर रह गया है। इस परिसर से दरवाजे, खिड़कियां और अन्य सामान तो चोरी हुआ है और यहां तोड़फोड़ भी हुई है। अब ये पशुशाला का रूप धारण कर चुका है। लोगों की मांग है कि सरकार इसका सदुपयोग कर इसका जल्द जीर्णोद्धार करे, ताकि ऐसे रमणीक एवं मनमोहक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, जिससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्थानीय व्यवसायियों को भी लाभ हो सके। स्थानीय निवासी सत्यप्रकाश चौहान ने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से शिमला जिले का सुंगरी अंग्रेजों के समय से सुप्रसिद्ध है। यहां पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सुंगरी में करोड़ों रुपए की लागत से एक परिसर का निर्माण किया गया। वहीं विद्यासागर ने बताया कि वर्ष 1994-95 में करोड़ों की लागत से इस भवन को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इस परिसर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं ठाकुर सिंह चौहान ने कहा कि वे सरकार से अनुरोध करते हैं कि सुंगरी एक पर्यटन स्थल है। यहां पर टूरिज्म की ओर से कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसकी हालत अब जर्जर हो गई है। उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करने की उम्मीद जताई और सरकार से मांग की। जो है 2005, 2004 और 5 में हमारे सरकार ने जो टूरिज्म बनाया था, टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक मंजिल बिल्कुल तैयार हुई। उसके बाद जैसे ही तैयार हुई, सरकार ने इसकी सुधि लेनी बंद कर दी, जिसकी स्थिति आज इतनी ख़राब हो चुकी है, जो कि आप देख रहे हैं, इतनी ख़राब हो चुकी है आज की स्थिति कि जो हमारा 125 करोड़ पैसा लगा, तो इसके बाद भी सरकार ने कोई सुध नहीं। सरकारें आतेगी जातेगी, हमें आश्वासन देते गए कि कुछ करेगी, पर आज तक किसी ने किसी प्रकार की सुध नहीं ली। हम अभी भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसे दोबारा डिसमेटल करके द्वारा इसको पुनर्निर्माण करिए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और इस तरह की जो अधिकतर जो लोग दूर दूर से आते हैं, घूमने आते हैं, जो मैप में सुंगरी है, पर जब वो लोग यहाँ आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि रहने के लिए क्या व्यवस्था है। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई हमारे सुंगरी एक जगह है, वहाँ टूरिज्म कम्प्लेक्स बना है, जो जिसकी हालत इस टाइम जर्जर हालत में है। तो इसमें ना चौकीदार उस टाइम, जबकि ये ठीक कंडीशन में बना था उस टाइम, तो आज इसकी स्थिति जो है मतलब बहुत दयनीय है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि इसको पुनर इसका निर्माण करें, और ताकि हमारे लोगों को जो है मतलब इसमें आगे आने वाले भविष्य में जो है रोज़गार मिले और हमारी आर्थिक लोगों की इसमें सुदृढ़ हो सके। मेरी सरकार से विनती है, इस क्षेत्र को देखकर, इस टूरिज़्म की बिल्डिंग को देखकर इतनी जर्जर हालत में है, सरकार इसमें थोड़ी सूद ले, ताकि लोगों के यहाँ रोज़गार मिले और इसमें कम से कम मेरे अपने आइडिया से 100 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और इतनी अच्छी लोकेशन है यहाँ, और ये पर्यटन की दृष्टि से ये शायद मेरा आइडिया है कि हिंदुस्तान की मानचित्र में है, तो इसको इतना बढ़ावा मिलना चाहिए, इसकी सूद ले सरकार कि इसको जो अच्छी तरह से और दोबारा मोटिफाई करे, तो ताकि लोगों का यहाँ सब्जी है, दूध है, हर चीज़ जो है बिके, बाहर से लोग आएंगे, घूमने आएंगे, अच्छा है, लोकेशन अच्छी है।